हम कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के टैलेंट की, क्योंकि वो तो बेशुमार है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की ज़मीन जो है बड़ी ज़रखेज़ है टैलेंट के हवाले से, नया नया टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है। और फरवा अली जो है वो भी एक उसी टैलेंट का एक हिस्सा है। फरवा अली की अगर बात करें ना, नहीं बात करते हैं हम फरवा की, फरवा से बात भी करेंगे। इकरा आप सोचो कि आप कर रहे हो, आप डॉक्टर बन रहे हो ना, आप डॉक्टर बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, और आप डॉक्टरी भी करते हैं और साथ आप एक और डिग्री भी कर लेते हैं या डिग्री नहीं करते और आप दूसरे काम में बहुत बेहतरीन हो जाते हैं और आपको इंजीनियरिंग का भी सारा काम आता है। मतलब कि देखें ना, बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें आपको आती हैं, ऑलराउंडर बनना चाहते हैं ना, कितनी हैरत वाली बात है। तो फरवा का भी मामला यही है, हैं तो ये फैशन डिजाइनर लेकिन बेहतरीन म्यूरल आर्टिस्ट हैं जिनके तौर पर इनको जाना जाता है। बिल्कुल ऐसे, और म्यूरल आर्ट जो है उनमें वो आप कह लें कि दीवारों को साफ कर उन पर दीदा जेब पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, और जो फरवा है वो म्यूरल आर्ट के जरिए बदनुमा और गंदी जो दीवारें होती हैं जो कि लोग अक्सर कर देते हैं उन पर ऐसा जादू जगाती है कि देखने वाला भी दंग रह जाता है कि यार क्या कमाल है, क्या बात है। ये एक आर्ट है और फरवा बड़े स्केल पर भी अब म्यूरल आर्ट बना चुकी हैं, और जहाँ क्रेन्स मंगवाई जाती हैं दीवारों पर काम करना पड़ता है। क्या बात है, नथिया गली हो, अताबाद झील हो, सुरंगें हों अताबाद झील की, और कलमा चौक लाहौर हो, उनका मुजाहरा कर चुकी हैं। तो अब हम इतनी ज़्यादा सलाहियत, फरवा अली काजमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनको फैशन डिजाइनर कहें या हम उनको म्यूरल आर्टिस्ट कहें, ये उनसे ही जानते हैं। क्या फरवा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या कहें पहले हम, मतलब कि म्यूरल आर्टिस्ट कहें या फिर फैशन डिजाइनर कहें, ऑलराउंडर कहें, क्या कहें? Call me फरवा, that's it. अच्छा हमजा, वैसे मेरा ख्याल है, चलो आप कर लो क्वेश्चन। मुझे तो हैरत हो रही है, हमजा को काफी हैरत है, हमजा काफी फैशन डिजाइनिंग से ये कैसे कोई लिंक बनता है दोनों चीजों का? लिंक बनता भी है। कैसे? Well, studying fashion design जो एक पोर्ट्रेट और ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी मैंने स्टडी की थी वो मुझे बड़े स्केल पे काम करने में बड़ी हेल्प करती है, प्रोपोर्शन वाइज। और फैशन डिज़ाइन में प्रोपोर्शन इज़ द की एलिमेंट जिसको हम स्टडी करते हैं कि डिज़ाइन में, ड्रेस में प्रोपोर्शन को ह्यूमन बॉडी पे किस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, उसको म्यूरल आर्ट में लेकर आना, और आई हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ डूइंग पेंटिंग्स बड़े स्केल पे एट स्कूल लेवल, इतने बड़े स्केल पे तो ऑब्वियसली नहीं की थी, क्रेन पे चढ़ के तो क्रेन वाला तो ये तो एक अभी अनहोनी कह लें, ये एकदम ही हुई है, डिस्कवरी थी ये एक मेरे लिए खुद की भी, अपने टैलेंट का एक डिस्कवरी किया था, पहले तो अननोन था फॉर मी एज वेल। अच्छा कैसे किया, और वो जो एक्सपीरियंस था कोई मुश्किल हुई आपको पेश आई, क्रेन पे चढ़कर फरवा लगी हुई है जी? ये ऐसे हुआ, पता नहीं था कि क्रेन पे चढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इट वाज अ सरप्राइज, इट वाज अ सरप्राइज। वो हुआ ही, पहला मैंने प्रोजेक्ट किया था नथिया गली का। वो मैंने वैसे ऑफिस में एज अ फैशन डिजाइनर ही अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तो वो फेसबुक पे एक मैंने पोस्ट देखी थी कि रंग दे गली आद के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया, तो वो बहुत अच्छा पेंट हो गया था जो मेरा वाला। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने टनल्स पेंट करवाने के लिए कॉल की, तो वहाँ जाके पता चला कि ये क्रेन के ऊपर चढ़ के करना पड़ेगा, इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, 50 फीट में भी कराकरम हाईवे है, आपकी गाड़ियाँ गुजरनी है वहाँ, आप रोक भी नहीं सकते ट्रैफिक, साइड पे क्रेन, मतलब हम कराकरम हाईवे पे गुजर रहे हैं, तो अगर हम वहाँ पर देखें कि म्यूरल आर्ट है तो हम कहें कि ये फरवा ने बनाया है। क्या बात, बिल्कुल अताबाद झील पे जो आपका मेन चेक पोस्ट के एफसी की चेक पोस्ट के पास, दैट इज माय, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, छा गई है फरवा तो। अच्छा उसके बाद वो क्रेन के ऊपर किया, वापस आए तो मॉल वन से कॉल आई, मॉल वन का जो आउटडोर कोर्ट यार्ड है, दैट इज आल्सो डन बाय मी, और फिर वहां पे स्वीट टूथ का एक रेस्टोरेंट है, उसका सारा इंटीरियर है, आई हैव पेंटेड। अब तो ये प्रोफेशनल हो गई है, यस मैं बता रही हूं आपको, कमर्शियली अप्रेट कमर्शियली कर रही है, दी वोक फैसलाबाद का आउटडोर कोर्ट यार्ड, हम कमर्शियली जो है ना उसे वापस लेके आते हैं, हम आपको लेके जाएंगे, ठीक है, आप लेके आते हैं। अच्छा म्यूरल आर्ट पहले थोड़ा सा हमें बताएं कि ये एक्चुअली होता क्या है ना, और ये क्यों किया जाता है? म्यूरल इज अ सोर्स, इज अ टाइप ऑफ आर्ट जो आपको वॉल्स पे डिस्प्ले करते हैं, एंड इट्स बेसिकली ऑन लार्जर स्केल, और ये इसलिए किया जाता है कि इफ आई कंसिडरिंग माई नॉलेज हिस्टोरिकली देखा जाए तो आपके यूरोपियन बड़े आर्टिस्ट जो थे उनको रेजिडेंसी मिलती थी कि आप किसी भी कोई कैसल मिलता था उनको या कोई चर्चेज होते थे, जैसे आपके बहुत लियोनार्डो डा विंची वगैरह जो आर्टिस्ट, वो उनके वहाँ पे फ्रेस्कोस बनाया करते थे, इट एक्चुअली इनिशिएटिव फ्रॉम दैट, इनिशिएट वहाँ से हुआ था। तो करते करते फिर आपके यूरोप में, आपके अमेरिका में बहुत ज़्यादा म्यूरल आर्ट होता है बड़े स्केल पे, वो कमर्शियली करते हैं वॉल्स पे, दे डू इट रैंडमली, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं उसका हुआ था इतना बड़े।
से ही है। अच्छा फरवा, जैसे आप तो अब हमजा भी बात हम लोग डिस्कस करते हैं, आप फैशन डिजाइनिंग से एकदम म्यूरल आर्ट में आए, क्या शौक था कि मैं म्यूरल आर्ट की तरफ जाऊँ, मतलब क्या माइंड में आया कि आप इस तरफ आ गए? आपको बताया एक इसी तरह था, ऑफिस में बैठी हुई थी, इवेंट था ना, उसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसके बाद वो इंकरेजमेंट और एक खुद का एक स्किल ऐसा एक्सप्लोर हुआ, वो करने में मजा आया मुझे। हालांकि ये ज्यादा पेन स्टिकिंग है, ये ज्यादा इसमें एफर्ट है, इसमें क्रेन पे भी चढ़ना पड़ता है, फिजिकल है इसमें, क्रेन जाना मतलब ज्यादा लगती है, इसमें इंजरीज बहुत हो जाती है, इसमें हाथों में दर्द बहुत रहता है, उसके बाद शोल्डर। फैशन डिजाइनिंग चल रही है साथ साथ? बिल्कुल चल रही है साथ साथ, पैरेलल चल रही है। अच्छा मुझे थोड़ी सी और चीजें बताएं ना, आप देखें हम अक्सर देखते हैं कि एक दीवार है उसके ऊपर टनल बना दी गई है, गाड़ी आई है और आके उसमें लगी, इस तरह का काम तो आप नहीं कर रही होती ना कि रास्ता लोगों को लगे कि भाई जान ये तो इतना बेहतरीन है, कुछ इतने हकीकत के करीब तरह होते हैं। बिल्कुल ऐसी चीजें तो नहीं बनाती। नहीं नहीं नहीं, आई हैव अ प्लान ऑफ डूइंग उसको इल्यूजन आर्ट का, बट आई मीन लेकिन ऐसा वाला बिल्कुल इल्यूजन आर्ट डज एग्जिस्ट बिल्कुल, बट आई डू हैव अ प्लान ऑफ डूइंग दैट। क्या बात है। अब जो कजिन्स हैं उन्होंने देखा, दोस्तों सहेलियों ने देखा, टीचर्स ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि यार तुम तो कमाल करती हो, मेरे कमरे की एक दीवार जो है ना उसमें भी है, तो फिर क्या करती हैं, कैसे टालती हैं या कर देती हैं? ओके कर देती हूँ, फिर वो भी पता है टाइम नहीं मिलेगा और मुझे भी पता है। ओके रिस्पोंड नहीं करता। अच्छा ये अब आपको देख रहे हो कहते होंगे अच्छा तो ये है हमारे साथ प्लान जो है ना, दे गॉट मी सही है। अच्छा फरवा जिस तरह से आपके फ्यूचर प्लान्स के हैं, आप मजीद कहाँ कहाँ पर क्रेन पे चढ़कर करना है या जैसे भी करना है, किस तरह से करने का प्लान? अच्छा इन फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि इसको कंटिन्यू रखूंगी एज मच एज आई कैन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट साइड ऑफ आर्ट है जो एक्सप्लोर हुई है, तो आई वुड नॉट रियली वांट टू लीव इट, एक आइडेंटिटी मिली है इससे। अपार्ट फ्रॉम दैट इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द सिटी द कंट्री, और इंटरनेशनली अगर इसको देखा जाए तो इट कैन अपहोल्ड द इमेज ऑफ पाकिस्तान, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ डूइंग दिस कि आई कैन ऐड टू एडिंग अप अ बेटर नेम फॉर पाकिस्तान। अब बात है ये देखें ना, इस तरह का भी मतलब कि जज्बा लाजमी तौर पर होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा कोई घर वाले कहते हैं कि तुमने डिग्री क्या की थी, किस तरफ चली गई हो, तुम सिर्फ यही करो, या फिर नहीं वो कहते हैं कि नहीं तुम उसको छोड़ दो, तुम ये अच्छा करती हो तुम ये करो? नहीं बचपन से करती आई हूँ, मामा की बड़ी सपोर्ट थी, पापा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, फैमिली सपोर्ट तो एंडलेस रही है मेरे लिए, तो दे आर हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। लेकिन वो फ्रेंड भी होते हैं कि कभी चोट ना लग जाए, कुछ ऐसा अपना हो जाए, अपना ख्याल करो, लेकिन इवेंचुअली उनको पता है कि कर लिए। अच्छा कितना टाइम लगता है वैसे एक वॉल को करने में, अगर हम वॉल एक नॉर्मल वॉल ले लेते हैं उसका साइज भी आप ही बता दें कि जो 7 days भी लग जाते हैं, 3 days भी लग जाते हैं, 2 days भी लग सकते हैं, और महीना भी लग जाता है। ठीक है। अच्छा एक रूम वॉल अगर पेंट करवानी हो किसी ने किसी ने परवा से किसी ने लाइक किसी ने तो उसमें कितना टाइम लगेगा? 7 days मिनिमम, और डिपेंड करता है ना स्क्वायर फीट कितना है। अच्छा ये हम कर रहे हैं अच्छी अच्छी बात है ना, कभी ऐसा भी होता है कि बना के जब एंड रिजल्ट देखा तो दिल किया कि फरवा निकल जाओ यहाँ से, बहुत बेहतर है, कभी ऐसा भी होता है या नहीं? जो क्लाइंट होता है उसकी तरफ से नहीं ऐसा नहीं हुआ, खुद को कुछ बेहतर भी हो सकता। हाँ वो तो होता है कि इससे भी बेहतर हो सकता था, बट जब आप इतनी एनर्जी लगा के एक चीज़ कर रहे होते हैं ना, और आप हर अपना पिछला काम जब अगले के साथ उसको कंपेयर करते हो ना, तो आपको उसमें फ्लॉज खुद ही नज़र आते हैं और आने चाहिए। बिल्कुल आप परफेक्शनिस्ट तो उस तरह से नहीं हो सकते, आपको हमेशा एक प्रोग्रेस रहना चाहिए। कुछ आइडियाज चाहिए होते हैं ना कि आपके, अच्छा मुझे इसमें क्या करना चाहिए, वो आइडियाज कैसे आते हैं? उसके लिए स्टडी करते हैं। बिल्कुल उसकी रिसर्च प्रोसेस है सारा, उसका थॉट प्रोसेस, इट कैन टेक 2 days, इट कैन टेक अ वीक, तो थॉट प्रोसेस के बाद ही उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर हम सभी इतना शानदार शाहकार जो ना हम लोग दीवारों पर फिर देखते हैं। अच्छा फरवा जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि आप तो कर रही हैं, आपके साथ और भी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां हैं या फिर एक आप ही हम कहेंगे? इतने बड़े स्केल पर लड़की तो कोई भी नहीं। अच्छा इतने बड़े स्केल पर लड़की तो बिल्कुल भी कोई इतने बड़े स्केल पर सिंगल हैंडेड नहीं हैंडल कर रही इस चीज़। अच्छा अब टू माई नॉलेज ओके, अब हमने ये देखा कि आपके अंदर एक फनकार होता है, एक आर्टिस्ट होता है, और शायद आपको उसका पता ही नहीं होता, कंपटीशन आया, कंपटीशन से हमें पता लगा कि नहीं फरवा का तो काम बहुत अच्छा है। वो बच्चे जो बेचारे डॉक्टर्स ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, हमने कोई और काम ही करना है क्योंकि ख़ानदानी काम ये है,
तो उनके अंदर भी एक आर्टिस्ट हो सकता है, बड़े चांसेस हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने अंदर के आर्टिस्ट को कैसे पहचान सकते हैं, एक्सप्लोर कैसे करें कि नहीं मेरी असल फील्ड तो शायद ये है? एक्सप्लोरेशन जो है वो आई बिलीव इज एक्सपीरियंस से ही आती है। अब ये मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की तो एक्सप्लोर किया, दो आई न्यू कि है मुझ में, लेकिन इतने बड़े स्केल का चैलेंज मुझे दिया गया और वो फिर मैंने उसको किया, टास्क पूरा किया, तो मुझे पता चला कि आई एक्सप्लोर दिस साइड। उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आपको वेस्ट नहीं करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी को ब्लाइंडली फॉलो कर लें तो वो आपको कहीं भी लीड कर जाएगी। ये प्लान करके सोच के मेरा नहीं ख्याल, अपना शौक छोड़े मत, छोड़े नहीं। और प्लस पेरेंट्स के लिए एक स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कि जो बच्चे में जो स्किल है ना उसको स्नप नहीं करें। मेरे फादर मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते थे, वो खुद भी हैं, लेकिन उन्होंने मामा ने बहुत स्टैंड लिया कि इसको आर्टिस्टिक साइड इसकी मत दो, इसको बननी है। ये किधर किधर लेफ्ट डेबिट राइट क्रेडिट करती रहेगी और बैलेंस शीट्स बनाती रहेगी, क्या करती रहेगी, इसको कैसे पता लगेगा ये लेजर अकाउंट है कि पता था कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया फरवा, आप आई सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा, सब टैलेंट है पाकिस्तान में, वो हमने आपको दिखाया, बड़ा बेहतरीन किस्म का टैलेंट मौजूद है। और देखें शायद किसी और फील्ड में चले जाते हैं, पता लगता है नहीं हम ये भी कर सकते हैं, तो उसको भी लाजमी तौर पर। बिल्कुल ऐसे ही, और ये तो बड़ा खूबसूरत काम कर रही है, ऐसे पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में हम देखें तो रंग भर दिए उन्होंने, तो बहुत खूबसूरत।